नमस्कार, मैं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं केसरी उजाला। एक आकस्मिक मृत्यु के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। प्रकरण में मां के साथ बेटी ने मिलकर अपने ही पिता का गला घोटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। मृतक धर्मेंद्र गजवी की गला घोटकर निर्मम हत्या कर दी। पहाड़ी पुलिस ने आरोपी पत्नी निशा धर्मेंद्र गजवी को गिरफ्तार किया और नाबालिग बेटी को हिरासत में लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पत्नी निशा धर्मेंद्र गजवी नागेश्वर नगर पाठी निवासी है। पति धर्मेंद्र गजवी ट्रक ड्राइवर था। वह ज़्यादा समय घर से बाहर रहता था। वह पत्नी और नाबालिग बेटी के चरित्र को लेकर संदेह करता था। इसके चलते धर्मेंद्र का पत्नी से नोकझोंक और विवाद होता था। गत 10 अप्रैल को रात में भी पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद धर्मेंद्र पत्नी और बेटी पर नज़र रखने के लिए घर पर ही रहने लगा। करीब 2 माह से ट्रक की नौकरी छोड़कर वह घर पर ही था। घटना के भी 2 घंटे तक धर्मेंद्र और उसकी पत्नी का विवाद हुआ था। निशा ने पुलिस को बताया कि विवाद के बीच धर्मेंद्र गुस्से में कमरे में गया और स्कार्फ से आत्महत्या की कोशिश करने लगा। इस दौरान उसके और धर्मेंद्र के बीच फिर कहासुनी हुई तो दोनों ने एक दूसरे को पीटा। तभी निशा की नाबालिग बेटी भी वहां पहुंची। पिता के गले के स्कार्फ को मां बेटी ने पकड़कर खींच दिया, जिससे धर्मेंद्र की मौत हो गई। निशा ने इस बारे में 11 अप्रैल की सुबह पाढ़ी पुलिस को सूचित किया। धर्मेंद्र को बाकायदा फांसी पर लटकाने का नाटक किया गया। पाढ़ी के थानेदार कोटका के घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें आत्महत्या की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने गहन छानबीन की। इस दौरान मामला उजागर हुआ कि धर्मेंद्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या नहीं की थी। उसकी पत्नी ने नाबालिग बेटी के साथ मिलकर पति का स्कार्फ से गला घोटकर मार डाला। शक के आधार पर निशा को थाने बुलाकर पूछताछ की गई, तब उसने सारी कहानी बयां कर दी। उसने स्वीकार किया कि धर्मेंद्र की हत्या उसने ही की। बेटी ने भी उसका साथ दिया था। धर्मेंद्र से छुटकारा पाने के लिए दोनों ने उसे मार डाला। पुलिस ने पहले आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था, अब हत्या का मामला दर्ज कर निशा को गिरफ्तार किया है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज़।